हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अगेन रिव्यू करने वाली हूँ रूपमंत्रा फेस वॉश का, बट ये एलोवेरा का फेस वॉश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये रिव्यू। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ रूपमंत्रा लाइम एंड मिंट फेस वॉश का रिव्यू शेयर किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रूपमंत्रा एलोवेरा आयुर्वेदिक मेडिसिनल फेस वॉश का रिव्यू। इसे मैं पिछले एक हफ्ते से यूज कर रही हूँ, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और रिव्यू शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पिछले एक हफ्ते से इसे यूज कर रही हूँ, और ये क्लेम करती है रिमूव फेशियल स्किन डॉट विच प्रिवेंट्स ब्लेमिशेस एंड पिंपल्स। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मुझे पिंपल्स नहीं हैं, तो नो डाउट कि ये डॉट को बहुत ही अच्छे से रिमूव करती है चेहरे से, बहुत ही अच्छे से चेहरे को क्लीन करता है ये फेस वॉश। तो एक हफ्ते में मुझे जैसा अनुभव हुआ है कि ये फेस वॉश चेहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर देखा जाए तो मेनली हम फेस वॉश को चेहरे को क्लीन करने के लिए ही यूज करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में हम देखते हैं। तो बहुत सारे फेस वॉश ऐसे होते हैं जिसे मैंने भी ट्राई किया है, मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैंने भी ट्राई किया है, जो चेहरे को तो अच्छे से क्लीन करता है बट चेहरे को क्लीन करने के बाद चेहरे को ड्राई कर देता है। बट इस फेस वॉश के साथ ऐसा नहीं है, ये फेस वॉश चेहरे को अच्छे से क्लीन करता है और चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है, ड्राई नहीं होने देता है। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो रूपमंत्रा के सारे फेस वॉश की पैकेजिंग एक जैसी ही है। इस फेस वॉश में है तुलसी एक्सट्रैक्ट, नीम लिप्स एक्सट्रैक्ट, घृतकुमारी लिप्स एक्सट्रैक्ट, और इन तीनों चीज़ों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स कॉज करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है और पिंपल होने से रोकता है। साथ ही पिंपल्स के जो दाग होते हैं उसे भी रिमूव करता है चेहरे से, ब्लेमिशेस को रिमूव करता है, डॉट को अच्छी तरह से क्लीन करता है। तो तुलसी, नीम और घृतकुमारी के गुण के बारे में तो हमें पहले से ही पता है, तो अगर ये सारी चीज़ें इस फेस वॉश में हैं तो रियली ये फेस वॉश वर्क तो करेगा ही। तो अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है और आप पिंपल्स के लिए कोई फेस वॉश ट्राई करना चाहते हैं, कोई फेस वॉश सर्च कर रहे हैं, तो आप एक बार इस फेस वॉश को ट्राई करके देख सकते हैं। ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको जितनी ज़रूरत हो थोड़ा सा आपको फेस वॉश अपने हाथों पर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चेहरे पर और गर्दन पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, इसके बाद अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजिए। मेरे पास ये 100 ml का पैक है जिसमें 15 ml एक्स्ट्रा है, जिसका प्राइस है 83 rupees, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है मार्च 2018, और इसकी एक्सपायरी डेट है 3 years फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ये फेस वॉश टोटली आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पिंपल्स के लिए, ब्लेमिशेस के लिए कोई फेस वॉश सर्च कर रहे हैं तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, स्नैपचैट पर, और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।